जी दीपांशु, पोजिशनल कॉल के लिए पूनावाला फिनकॉर्प पर खरीदारी की सलाह रहेगी। देखिए, पूनावाला फिनकॉर्प के जो नंबर्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। अगर डिसबर्समेंट की बात करें तो लास्ट जो क्वार्टर गया है Q1 FY24 143% से इन्होंने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है। 10-11% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ है और ये ट्रेंड पिछले 3-4 क्वार्टर से देखने को मिल रहा है। इनका जो ईओ में अभी 17,770 करोड़ रुपये है और जिस रेट से ये डिसबर्समेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है जब ये साल एंड होगा FY24 तो 25-26 हज़ार करोड़ का इनका ईवीएम हो जाएगा। आरओए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 4% ऊपर का आरओए करते हैं एंड इसकी जो एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। अभी ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 1.44% है एंड जो नेट एनपीए है वो 1% से नीचे 0.78% के आसपास है और जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि ये और इम्प्रूव होगा। सो एसेट क्वालिटी स्ट्रॉन्ग चल रही है, डिसबर्समेंट बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है और बिकॉज ऑफ डिजिटल जो डिसबर्समेंट का आया, फिनटेक जो सोर्सिंग एंड क्रेडिट एनालिसिस पार्टनर हो गए हैं बहुत सारे NBFC के, जिनका फायदा सबको मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा फायदा पूनावाला फिनकॉर्प को उठा रहा है। अराउंड 86% जो इनका डिसबर्समेंट है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो रहा है, तो स्पीड भी बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि इस रन रेट पे ये अराउंड 420 के पोजिशनल टारगेट के लिए ट्रेड होना चाहिए। जब ये अर्निंग्स अपडेट करते हैं और उसके बाद जो अर्निंग्स पॉजिटिव अर्निंग्स का ड्रिफ्ट मिलेगा, वहाँ से 420 से 430 के टारगेट के लिए आप इसको बाई करके चल सकते हैं। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन मुझे लगती है पूनावाला फिनकॉर्प में। और कई सारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी है, भरोसा भी आया है। पूनावाला फिनकॉर्प 420 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। यह है धर्मेश जी की राय। जय